अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर करूंगी मिडिल ईस्ट की एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लेकिन इजी रेसिपी। बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, आयरन और कैल्शियम से लोडेड। आप इसका एक भी छोटा सा भी बाइट खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा आपने बहुत ही ज़्यादा एक कोई रिच सी चीज़ खाई है। इसे एक बार तो आप ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कप तिल लिए हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि तिल को आप अच्छी तरह से रोस्ट कर लें। अगर ये रोस्ट नहीं होंगे तो फिर जब हम इनको ग्राइंड करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें रोस्ट कर लेंगे। अब हम इनसे एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पर 1/3 कप या फिर आप थोड़ा कम भी ले सकते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का यूज़ करा है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसको पीस लेंगे, इसकी हम एक ताहिनी बना लेंगे। देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए, लिक्विडी सी। अब यहाँ पर मैंने 1 कप डेट्स ली हैं फ्रेंड्स, ये सॉफ्ट वाली हैं और इसकी जो सीड्स होती हैं वो मैंने निकाल दी हैं। ये जो हमारी खजूरें हैं ये हम इस ताहिनी के अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए इस तरह से ग्राइंड हो गया है, ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा इसका हलवे जैसा देखिए टेक्स्चर आ गया है, ये हमारा तैयार है। इसके अंदर शुगर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा लेकिन बहुत ही मज़ेदार ये बनेगा। इसको हम अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब फ्रेंड्स मैं इसके अंदर 1/3 कप ये मिल्क पाउडर है ये ऐड कर दूंगी। मिल्क पाउडर डालने से और अच्छा सा फ्लेवर आता है। ये हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह से चाहें तो आप स्पून से या फिर हाथ से बिल्कुल इसको बढ़िया करके मिक्स कर लें। देखिए कितना आसान है इसे बनाना। अब हम इस तरह से कोई भी मेरे पास इस तरह से ये जार जो सांचे होती नहीं ना प्लास्टिक का जो डिस्पोजल होता है ये मैंने लिया है। इसके अंदर हम ये पिस्ता बारीक कटा हुआ, आप चाहें तो इसे ट्रे में भी जमा सकते हैं, मैं इस मोल्ड के अंदर डालूंगी। और ये जो हमारा हलवा हमने तैयार करा है इसको हम इस तरह से पिस्ते के ऊपर से अच्छी तरह से दबा दबा के इसको इस तरह से फैला देंगे। किसी भी शेप में आप इसे बना सकते हैं, मेरे पास ये रखा हुआ था तो मैंने सोचा इसके अंदर ही इसका डिज़ाइन बना लूँ। इसको हम अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। इसको आपको रखने की भी ज़रूरत नहीं है, फौरन ही देखिए ये सेट हो जाता है। इसको हम उल्टा करेंगे और थोड़ा सा इसको हम थपथपाएंगे और देखिए कितनी आसानी से ये हमारे पीसेस निकल आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा मज़ेदार लग रही है, देखने में भी बहुत खूबसूरत और फुल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन, बहुत ही मज़ेदार है फ्रेंड। इसको आप एक बार तो ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।